ना चाय पी के, मैगी खा के, सैंडविच खा के मीटिंग करते रहिए, खेलते रहिए बस। इसका डायलॉग वही पाला वाला, ई वाला एक तो और है क्या, करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव पे। आपने पंचायत वेब सीरीज तो देखा होगा, लेकिन अब पटना के मरीन ड्राइव पे पंचायत ऑफिस खुल गया है, स्टॉल है। चलिए भैया से बात करते हैं, उनके दिमाग में कैसे आया कि पंचायत ऑफिस खोले। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम सोनू मिश्रा हुआ मैम। कैसे दिमाग में आया कि पंचायत ऑफिस खोलते हैं? बस वही सीरीज देख के, मूवी सीरीज देख के। कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गए थे क्या? जी हो गए थे थोड़ा, देख के इसका डायलॉग अच्छा लगा और नाम भी अच्छा लगा, बस रख दिए नाम। क्या क्या डायलॉग आपको अच्छा लगा उसका? इसका डायलॉग वही पहला वाला, ई वाला एक तो और है क्या, ये अच्छा लगा। और जो दुकान में बैठते हैं ना, बोलते हैं कि एक एक कप और हो जाए क्या। और ये कीजिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग। यहाँ पे तो आज, हाँ यहाँ पे आप तो चाय बेचते हैं? हाँ, हम तो चाय मैगी बेचते हैं मैम, बस। क्या क्या साथ देते हैं? चाय हो गया, मैगी हो गया, सैंडविच हो गया, यही। कब से दुकान है? ऐसे तो हम साल भर से खोले हुए हैं यहाँ पे दुकान, पर बीच में कुछ नाम रखे थे तो फिर उसमें कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था। वो जो नाम था उससे कुछ रिस्पांस नहीं था? नहीं था। क्या नाम रखे थे पहले आप? पहले वही बोन अपटाइट करके नाम था। अच्छा। तो छोटा भी था थोड़ा, उतना देख रहे थे कि लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। अब पंचायत ऑफिस के नाम से स्टॉल खोल दिया तो लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ तो अच्छा है। दिन में कितने लोग आ जाते हैं लगभग? वैसे तो मैम हम शाम में खोलते हैं दुकान, साढ़े चार बजे। कितने बजे तक? वही लास्ट यहाँ पे टाइमिंग है 10:30 से 11 बजे तक है बस। तो लोग आते हैं उतने रात तक? हाँ आते हैं, लास्ट तक आते हैं, आदमी आते हैं। तो बिक जाता है चाय तो दिन भर चलता होगा? हाँ चाय चलते रहता है। मैगी, जिनको मैगी खाने का मन करता है मैगी ऑर्डर देते हैं, जो सैंडविच खाएंगे वो सैंडविच देंगे। तो पूरा माइंड में आ गया था कि पंचायत ऑफिस के नाम से ही खोलना है। बस पंचायत ऑफिस इतना वेब सीरीज फेमस हुआ, अब आपका पंचायत ऑफिस ही खुल गया है। जी मैम। घर में कौन कौन है भैया? अभी तो फिलहाल हम शादीशुदा हैं, मतलब बेबी हैं, और घर में मम्मी हैं, पापा नहीं हैं। वाइफ भी कुछ करते हैं? नहीं है, वो तो अभी, हाँ पढ़ाई लिखाई अभी थोड़ा बंद है। अभी तो हाउस वाइफ हैं। तो ये एक दिन का कितना लगभग आप कमा लेते होंगे? सेल पे निर्भर करता है मैम, अगर किसी दिन ज़्यादातर अच्छा मार्केट रहता है संडे और सैटरडे को रहता है ये, तो उस दिन थोड़ा अच्छा हो जाता है। बाकी अभी तो सावन चल रहा है तो कितना फास्टिंग में रहते हैं, कितना नमक नहीं खाते हैं, कितना प्याज नहीं खाते हैं, और वैसे इसलिए हम चाह करके मतलब कि ये नॉनवेज बंद किए हुए हैं, अंडा बंद किए हुए हैं अभी। तो बच्चे अब स्कूल में जाते हैं? नहीं बच्चे अभी नहीं, बच्चे छोटे अभी, बच्चे नहीं है। अच्छा बच्चे नहीं है अभी। हाँ तो ये अभी जो आपने पूरा लगाया है, स्टॉल को डेकोरेट किया है, तो कितना खर्चा आया होगा उसमें? ऐसे स्टॉल का तो 50,000 लगा ही था। 50,000 लग गया था? हाँ, और अलग से जो मतलब पुराना ही था, ज़्यादा उतना अति नहीं था। जो नेम प्लेट वगैरह लगाए आप सब अलग से लगवाएं, उसमें 7-8 हज़ार रुपये का मात्र लगा, बस उतना ही। लग रहा है कि नाम लगवाने से कुछ फ़ायदा हुआ है? फायदा ठीक है, मार्केट भी अच्छा है, नाम भी हो रहा है, देखिए आगे चल के क्या होता है। और कुछ क्या बोलना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? बस बोल रहे हैं कि आइए कीजिए मीटिंग, चाय पी के मीटिंग कीजिए। हाँ चाय पी के, मैगी खा के, सैंडविच खा के मीटिंग करते रहिए, खेलते रहिए बस। एक और क्या आप बताएंगे कि कहाँ पे ये लोकेशन है? ये लोकेशन एग्जैक्ट ऐसे तो गूगल पे मैप पे है मैम, मरीन ड्राइव गोलम्बर से थोड़ा LCT घाट की तरफ बढ़िएगा ना, तो फ्रंट पे ही है, रास्ता में पड़ जाएगा, बाईं साइड पड़ेगा, उधर से आते समय गोलम्बर से आगे बढ़िएगा तो LCT घाट पड़ता है। तो देखिए हम लोग पटना के मरीन ड्राइव पे थे, पंचायत ऑफिस के नाम से स्टॉल खुला हुआ है, इनसे बात करने की कोशिश की कि इनके माइंड में कैसे ये आइडिया है कि पंचायत ऑफिस के नाम से ही स्टॉल खोले। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं शिखा सिंह, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।